अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक में मैं हूँ हशाम। आज की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल ही लग रही है। रीज़न बीइंग कि कल के जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी गहमा गहमी ही रहेगी, इन्वेस्टर्स थोड़े से हेजिटेंट ही रहेंगे और जो पोजीशंस हैं अगर वो ली जाएंगी वो साथ ही एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। न्यूज़ साइट पर देखा जाए तो टी बिल के रिजल्ट्स आए हैं और गवर्नमेंट ने 64 बिलियन रेज किए हैं अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 480 बिलियन। और इसमें यही दिख रहा है कि जो जैसे मैंने डिस्कस किया, जैसे हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टिंग की तरफ जो है अपना रुझान नहीं रख पा रहे। पॉजिटिव साइड पे देखें तो ओग्रा ने गैस प्राइसेस इंक्रीज करने की परमिशन दे दी है। SNGP के लिए तकरीबन 35% है और SHGC के लिए तकरीबन 8 to 9% तक की इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से इनके जो रेलेवेंट शेयर्स हैं उनके अंदर एक अच्छा काम हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट जैसे मैंने डिस्कस किया रेंज बाउंड टू वॉलेटाइल ही रहेगी और सबसे बड़ा रीज़न यही कि कल के इलेक्शंस, तो इन्वेस्टर्स से यही रेकमेंड किया जाता है कि अपनी पोजीशंस को क्लोजली वॉच करें और जहां डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वहां कर लेना चाहिए। थैंक यू।